हाय एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग घर पर ही पास्ता कैसे बना सकते हैं, पास्ता को हम कैसे 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। दो अलग अलग तरीके मैं आपको बताऊंगी, जो भी आपको पसंद है उस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। साथ में ही हम देखेंगे कि 2 मिनट में ही इंस्टेंट रेड सॉस पास्ता हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मैदा ली है। आप किसी भी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम पूरी के जैसा आटा लगाएंगे, जैसे पूरी का आटा लगाते हैं ना, थोड़ा सा टाइट, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें इसका लगा कर रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए आटा लग गया है, इस तरीके का आटा हमने लगा लिया है। अब हमें सरफेस पर रखकर इसको अच्छे से स्ट्रेच करते हुए, इस तरह से स्ट्रेच करते हुए गूंदना है। और इससे क्या होगा, मैदा में एक खिंचाव आएगा जिससे पास्ता बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इसको इसी तरह से खिंचाव देते हुए हमें गूंदना है। इसके बाद में अब हम इस डो को ढक करके रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। हल्का सा पानी का हाथ मैंने लगा दिया है ऊपर से, जिससे कि सूखेगा नहीं। ढक करके इसको छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद में हमारा आटा सेट हो गया है। अब इससे हमें एक पतली सी रोटी बेलकर रखनी है। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में बेली है, आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में बेलने से हमारी जो आटा है वो थोड़ा कम वेस्ट होता है, ज़्यादा उसमें से पास्ता निकलता है, ये देखिए। और इसकी मोटाई मैंने इस तरह की रखी है, आप देख सकते हैं। मैंने रेक्टेंगुलर शेप में इसको बेल लिया है। अब देखिए पास्ता जो कटर होता है उसकी सहायता से हम इसमें से ये देखिए कट कर रहे हैं। ये देखिए ये पिज़्ज़ा कटर हमने लिया है और इससे इस तरीके से इसमें से स्ट्राइप्स कट कर रहे हैं। और अब इस तरीके से कट कर लेंगे, ये देखिए छोटे छोटे इस तरह से पीसेस निकाल लेंगे इसमें से। अब यहाँ पर देखिए, देखिए पास्ता हमें कैसे बनाना है। एक मैंने टुकड़ा उठाया, अपने हाथ में रखा, बीच में से उसको इस तरीके से पिंच करना है। ये देखिए बस इस तरीके से करा और हमारा एक पास्ता तैयार है। कितना इजी है ना। बस सेम इसी तरीके से हम बाकी के सारे पास्ते बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। या फिर आप प्लेट में इस तरह से रख करके, प्लेट में रख कर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप सरफेस पर भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली बन जाएंगे। तो ये देखिए सारे ही पास्ता हमने बना लिए हैं, कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इससे हम इंस्टेंट पास्ता कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था, जैसे नॉर्मली हम पास्ता को बॉईल करते हैं, सेम उसी मेथड से मैंने पास्ता को डाल दिया है गर्म उबलते हुए पानी में। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे, नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पास्ता के अंदर पहले से ही नमक है। इसको पूरे 5 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे और आपको पता चल जाएगा ऊपर ये तैरने लग जाएंगे, तो इसका मतलब अच्छे से ये बॉईल हो चुका है। तो ये देखिए सारे पास्ता ऊपर बॉईल होने लगे हैं, तो अब ये इनको हम स्ट्रेन कर लेंगे, अच्छे से बॉईल हो चुका है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी भी डालेंगे जिससे कि आपस में चिपकेंगे नहीं। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बिना प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप और भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में ही अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लगभग 1 से 1.5 बड़े चम्मच जितना जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होता है ना, जो पिज़्ज़ा के ऊपर हम लगाते हैं, वही वाला सॉस इसमें हमने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा टोमेटो केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और बहुत थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया है, जिससे कि क्या होगा, सभी मसाले पास्ता के अंदर भी आसानी से चले जाएंगे। पानी ऐड करने के बाद में हम अपने बॉइल्ड पास्ता इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके इसको पका लेंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी 2 मिनट वाला इंस्टेंट पास्ता बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए एकदम लाजवाब, बहुत ही जल्दी बनने वाला हमारा रेड सॉस पास्ता बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें पास्ता को किस तरीके से स्टोर करके रखना है। तो अब यहाँ देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेट में हमने थोड़े से पास्ता निकाल लिए, देखिए इस तरीके से। अब हम इनको धूप में ड्राई होने के लिए रख देंगे, पूरी तरह से हमें इसको ड्राई करना है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से जब इसका मॉइस्चर निकल जाएगा तब हम इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अभी ये पूरी तरह से सूखे नहीं है, बस थोड़े थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, लेकिन आपको बिल्कुल पूरी तरीके से इनको सुखाना है, अच्छे से कड़क टाइट हो जाने चाहिए। इसके बाद में कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर आप ले लीजिए, इसमें इसको रख करके ढक्कन लगा करके, चाहे तो आप फ्रिज में रख दीजिए या फ्रिज के बाहर भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि फ्रिज में रखने से थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है अच्छे से, कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस इसका ढक्कन लगा दीजिए, आप इसको फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं, बस इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। गीला चम्मच वगैरह इस तरह का आप यूज़ ना करें, बस आप इनको इस तरह से रख करके 6 महीने के लिए स्टोर करें। जब भी आपको इनको यूज़ करना हो बस बाहर निकालें, बॉयल करें, और जैसे मैंने अभी आपको पास्ता बनाना बताया था बिल्कुल सेम तरीके से पास्ता बना सकते हैं।
दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, कोई भी जिपलॉक बैग ले लें, उसमें ही पास्ता को हम डाल दें। ध्यान रखिएगा पास्ता आपस में चिपके हुए ना हो। अगर पास्ता आपस में चिपक रहा है तो थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड कर दें, मतलब मैदा छिड़क दें, जिससे कि आपस में चिपकेंगे नहीं। जिपलॉक बैग को बंद करके इसको आप फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर में ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगे एकदम, और जब भी आपको पास्ता खाने का मन हो बस फ्रीजर से बाहर निकालें, 5 मिनट के लिए बॉईल करें, और सेम तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं पास्ता बनाने के लिए। तो ये देखा आपने कितना आसान तरीका है इनको स्टोर करने का। आप ऐसे चाहें तो बहुत सारे पास्ता बना करके अलग अलग तरीके के स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको ये जुगाड़ तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।